Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. So guys, crash course में अभी तक हमने 5 to 6 chapters complete कर लिए हैं. सबके क्वेश्चंस और थ्योरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं. सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बाकी सारी वीडियोस का. आज हम बात करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. अब ये चैप्टर कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि काफ़ी याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है, जो कि कुछ एक्सटेंट तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी अगर हम एग्ज़ाम की बात करेंगे ना तो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, हीमोसाइनिन, हीमरिथ्रिन या फिर मेटलोएंजाइम्स. यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आपको ये तो अच्छे से पढ़ना ही है. इसके अलावा जो भी माइनर टॉपिक्स हैं वो भी हम आज वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं. और सबसे अच्छी बात ये है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, जनरली वो मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, इससे पूछते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी, ए बी सी, ऐसे क्या आता है. तो अगर आपको एक दो स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं. सो ये वाला चैप्टर ना लीव करने लायक है नहीं. आप सिर्फ देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वो बता रहे हैं. आई एम वेरी श्योर एग्जाम में हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है. सो ये वाली वीडियो पूरा देखना और मुझे अपना फीडबैक बताना कमेंट सेक्शन में. हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने अभी क्रैश को स्टार्ट किया है, तो आज हम पढ़ेंगे बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेट और गेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स की बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बार नेट में पूछ जाती है. इसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बच्चे इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं. बट बेस्ट पार्ट ये है ना, अगर आपको अच्छे से याद होगी ना तो आप देखते आंसर टिक करेंगे, लाइक आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा इसमें. अब देखिए, जो मेरी ये वीडियो है ना, जिसने तो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं. और जिसने ऑलरेडी बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है ना, वो तो इस वीडियो का एज ए रिविजन पर्पज़ भी देख सकते हैं, ताकि कुछ डाउट, कुछ भी उनके टॉपिक क्लियर ना हुए हो तो वो इसमें क्लियर हो जाएंगे. अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हुआ है. अभी आप देख सकते हैं कि जून 2021 में दो टॉपिक्स आए थे, फेरडॉक्सिन, रुबिडॉक्सिन से, और क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बहुत डायरेक्ट थे. जून 2020 मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम P45 से आया था. दिसंबर 2019 साइटोक्रोम P45 से क्वेश्चन आया था. अब देखिए, इसमें ना कोई पेट टॉपिक नहीं होता कि आप बोलो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है. बट कोई टॉपिक, हाँ फिर भी कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइटोक्रोम P45, विटामिन B12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीट भी होते हैं. आप देख सकते हैं साइटोक्रोम P45, साइटोक्रोम P45 यहाँ भी आया हुआ है, साइटोक्रोम P45 एंड साइटोक्रोम P45. तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर. अभी आप देख सकते हैं मैच द कॉलम्स भी मैंने लिखा हो. मैच द कॉलम में क्या होता है ना, वो सारे टॉपिक को कवर करते हैं. जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से, जिसमें हीमरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. वो डिजीज से लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या मेटल देख के उनका फंक्शन पूछ लेते हैं. इससे ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, अभी आपके सामने मैंने यहाँ पोरफाइन रिंग बनाई है. अब जो ये पोरफाइन रिंग होती है काफ़ी एरोमेटिक होती है. अगर अब ये एरोमेटिक है मतलब ये कुछ कंडीशन को फॉलो करेगी. अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है तो वो एक प्लेनर में भी होगा, कॉन्जुगेशन में भी होगा. सेकेंड, प्लस हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा. अब हक्कल रूल क्या होता है हमारा, 4n+2 = जितने हमारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, अब देखिए जो हमारी ये पोरफायरिन रिंग होती है ना, काफ़ी मैक्रोसाइक्लिक डिजिट सिस्टम होता है. तो इस वजह से क्या होगा ना, अगर इसके हम n, इसका अगर हम n कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर ये मैक्रोसाइक्लिक डिजिट सिस्टम है तो ये हमारे पेरीफेरी पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेगा, उनको काउंट कर, ना कि ना जो इसके अंदर बॉन्ड होंगे, जो इसके सेंट्रल में होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये वाला बॉन्ड इसके इनसाइड है और ये वाला बॉन्ड भी इसके इनसाइड है, तो इनको ये कैलकुलेट नहीं करेगा. बाकी जितने भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जितने हमारे पाई बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में, उन सबको कैलकुलेट करेगा, उनको काउंट करेगा. तो अगर मैं रूल लगाऊं 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखिए टोटल इसके पास जितने पाई बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 11. अब हमने दो तो निकाल दिए क्योंकि वो दोनों इनसाइड हैं, तो अब दो निकल गए तो कितने बचे, 9. तो 9 कितना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18. तो 4n = 16, n = 4.
अगर आपसे स्पेसिफिकली एन की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप लिखोगे 4, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आईआईटी जैम में भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगर इसके हम स्पेक्ट्रल फीचर्स के बारे में बात करें, पहले हम करेंगे 1H NMR के बारे में बात। अब देखिए, जो ये पोरफायरिन रिंग थी ना, इसमें हमारे तीन तरह के H होते हैं। एक होता है हमारा मीजो H, एक ये है मीजो H, एक ये है, ये भी है और ये भी। तो हमारे पास टोटल कितने मीजो H हुए? 4 मीजो H। कौन सी पोजीशन में? हमारे 5, 10, 15, 20। और फिर होते हमारे बीटा एच, जो पायरोल रिंग के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं हम बीटा एच। वो कितने हैं हमारे यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गए हमारे बीटा एच, ओके। एंड दो होते हैं हमारे एन एच, ये वाले। तो हमने क्या निकाला अभी इसमें, वन एच एन एम आर में हमने क्या निकाला? 4 थे हमारे मीजो एच, 2 थे हमारे NH और 8 थे हमारे बीटा एच, जो कि हमारे पायरोल रिंग के ऊपर थे। अगर इनके मैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लिखूं, जो कि हम किसमें निकालते हैं? इन PPM। तो देखिए, बहुत इजी लर्न करना। 4 के लिए 4 में ही हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है, 8 के लिए 8 में, 2 के लिए 2 में। तो 4 के लिए किसमें आती है? अप्रॉक्सीमेटली 4 ppm पे। 2 के लिए आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2 ppm एंड 8 के लिए आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 ppm, ओके। अब देखिए, जो ये 2 और 8 में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, इसका रीज़न होता है हमारा डाया मैग्नेटिक करंट इन दी रिंग। अब हमें पता है, अगर सिंपली मैं ले लूँ यहाँ कोई भी बेंजीन रिंग ले लेती हूँ, मैंने यहाँ रिंग ली है। अब उसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, ओके, और यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इस रिंग का एक करंट जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। ये हमने पढ़ा भी हुआ है NMR में। अब देखिए, यहाँ ये हो रहा है रिंग करंट। अब रिंग करंट के अलोंग जो हमारे हाइड्रोजन आते हैं, जो इसके इनसाइड हाइड्रोजन आते हैं, वो जाते हैं हमारे शील्डिंग में, और जो हमारे बाहर वाले आउटर वाले हाइड्रोजन होते हैं, वो जाते हैं डी शील्डिंग में, ठीक है ना। तो अब जो हमारी रिंग थी, अगर उसका मैं रिंग करंट जनरेट करूं, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो जो इनसाइड वाले हाइड्रोजन आएंगे NH वाले, वो जाएंगे हमारे शील्डिंग में, और जितने हमारे आउटर H होते हैं, जो बीटा H होते हैं, वो जाते हैं हमारे, उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी, वो आएगी मैं डी शील्डिंग रीजन में। तो ठीक है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आती है बीटा H की, वो आती हमारी 8 ppm में, और जो 2 की आती है, वो आती हमारी 2 ppm में, ओके। ये सब रीज़न होते हैं इसका। आगे चलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उससे हमारी, अगर हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालें NH के लिए, हम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी निकालें NH के लिए, तो उसकी वैल्यू आती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ये वैल्यू है ना, वो इतना यूजफुल नहीं होती, क्योंकि ना आप देखिए, अगर हमारी रिंग अगर मॉइस्चर को ट्रैप कर ले, तो उसकी वजह से हमारी एक और पिक भी आएगी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी OH की। अब उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी भी वैल्यू होती है 3200 टू अप्रॉक्सीमेटली 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। इस वजह से ना, हम ना इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किसके लिए क्या पीक है ये। इसलिए हमारे जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो इतनी हमारी यूजफुल नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, वो होती है हमारी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है ना, अब हमें पता है जो हमारी पोरफायरिन रिंग थी ना, उसमें दो तरह की ट्रांजिशन होती हैं। एक होती है हमारी पाई टू पाई स्टार, एक होती है हमारी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ओके। अब जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, वो होती है हमारी सिमेट्रिकली अलाउड। अगर सिमेट्रिकली अलाउड है,
मतलब ये हमारी हाई इंटेंसिटी में दिखेगी। और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट बैंड। ओके, अब ये देख सकते हैं जो ये बैंड आ रहा है ना हाई इंटेंसिटी का, इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट बैंड। अब जो हमारा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार हो रहा है वो हो रहा है हमारा फॉरबिडन। अगर ये फॉरबिडन है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लो इंटेंसिटी। अगर इसकी इंटेंसिटी कम है तो ये हमारा जो बैंड आ रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हम लो इंटेंसिटी का, इसको बोलते हैं हम क्यू बैंड। ओके, अब जो शॉर्ट बैंड है उसकी वेवलेंथ आती है हमारी 400 टू 450 नैनोमीटर, एंड क्यू बैंड की आती है हमारी 500 टू 600 नैनोमीटर। ओके, तो दो तरह के बैंड होंगे, एक होता है हमारा शॉर्ट बैंड, एक होता है हमारा क्यूब बैंड। ओके, अब देखिए अगर मैं हमारी जो पोरफाइन रिंग थी, वन सेकेंड, अगर मैं इस रिंग में कोई मेटल ऐड कर दूं, तो अब जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो तो हमारे जाएंगे बॉन्डिंग में मेटल के साथ। अब इस वजह से क्या होगा ना, जो हमारा क्यूब बैंड था, जो हमारा क्यूब बैंड था नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, वो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए जब हमारा मेटल आ जाता है पोरफाइन रिंग के अंदर, तो हमारा क्यूब बैंड डिसअपीयर हो जाता है, तो हमारा बस एक ही बैंड दिखेगा, कौन सा, शॉर्ट बैंड। ओके, तो अब जब पोरफाइन रिंग के अंदर मेटल आ जाता है उसको बोलते हैं हम मेटेलो पोरफाइन रिंग। ओके, अब देखिए अगर इसका मुझे बाइंडिंग का ऑर्डर लिखाना हो कि कौन सा मेटल अच्छा बॉन्ड बनाता है हमारी रिंग के साथ, तो उसका ऑर्डर होता है हमारा, पहले आता है जिंक जो सबसे लीस्ट होता है, देन Fe, then cobalt, then copper, then nickel. अब nickel सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो ये D8 है, D8 सिस्टम है, प्लस ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। ओके, अब देखिए हमारी जो रिंग थी, सिंपली मैं यहाँ ही बना देती हूँ। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, हमारी रिंग थी ना, अब देखिए सिंपली यहाँ लेती हूँ, अगर मैं पोरफाइन रिंग में कोई भी बेस ऐड कर दूँ तो बेस इसके एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ, डाइएनाइन, जो कि हमारे मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से बेस डाला तो वो इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से जो प्रोटॉन है निकल जाएंगे ना, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा एंड ये बॉन्ड बनाएंगे हमारे मेटल के साथ। तो अब देख सकते हैं मेटल का कितने बॉन्ड बने, 4, 1, 2, 3, तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। इसीलिए निकल सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए जब हमारी, वन सेकेंड, ओके, जब हमारी पोरफाइन रिंग के साथ Fe लगेगा तो हमारा बनता है हीम प्रोटीन। ओके, अब हीम प्रोटीन में भी तीन आते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन जो कि हम पढ़ेंगे अभी, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम।
और जब हमारी पोरफायरिन रिंग एब्सेंट होती है और उसके अंदर एफई लगता है तो उसको बोलते हैं हम नॉन हीम प्रोटीन, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। उसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है रूब्रेडॉक्सिन, एक होता है हमारा फेरडॉक्सिन। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम नॉन हीम प्रोटीन। अब नॉन हीम प्रोटीन का काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, पहला मैंने पॉइंट लिखा है इसमें, इसको एक तो हम इसको बोलते हैं FES प्रोटीन। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें एक या दो या उससे ज्यादा FE प्रेजेंट भी हो सकते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि ईच एफी इज कनेक्टेड टू 4S टेट्राहेड्रली, मतलब हर एक एफी के साथ हमारे चार सल्फर लगे होंगे। अब उसकी जो हमारी चार सल्फर कैसे लगे होंगे, टेट्राहेड्रली, अगर टेट्राहेड्रली लगे होंगे तो हम क्या देंगे, हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लेबाइल एंड नॉन लेबाइल सल्फर। इसमें ना दो तरह के सल्फर होते हैं, एक होते हैं लेबाइल, एक होते हैं नॉन लेबाइल। अब इसके बारे में थोड़ा आपको मैं आइडिया देती हूँ। अब जो लेबाइल सल्फर होते हैं, लेबाइल सल्फर वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सल्फर, और दूसरा क्या लिखा मैंने, नॉन लेबाइल सल्फर। जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सल्फर। अब जो हमारा लेबाइल सल्फर है ना, वो एसिडिक के प्रेजेंट में इफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय एसिड। एंड जो नॉन लेबाइल है इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं लेबाइल सल्फर ले लूं, ये मेरा लेबाइल सल्फर है, अगर इसमें मैंने एसिड डाला, सोचो HCl डाल दिया मैंने, तो क्या बनेगा हमारा, यहां से H+ लेकर क्या बनेगा हमारा, H2S गैस। ओके, और अगर मैंने नॉन लेबाइल सल्फर में सोच लो कोई भी हमने यहां, अब जो हमारा नॉन लेबाइल ऑर्गेनिक सल्फर क्या होता है हमारा, सिस्टीन। अब सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, अगर इस पे मैंने कोई एसिड डाला तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ओके, तो ओनली हमारा जो इफेक्टेड करता है वो कौन सा, हमारा लेबाइल सल्फर सल्फर। ठीक है, अब देखिए जनरली इसको हम लिखते हैं FeNSN। अब इसमें जो S होते हैं वो होते हैं हमारे लेबाइल सल्फर। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा इसका नॉन हीम प्रोटीन का। ठीक है, FeNSN, अगर इस FeNSN में मैं H+ डाल दूं तो बताओ क्या होगा। अब देखो Fe+2 ये तो निकल जाएगा, अब बचे हमारे लेबाइल सल्फर, तो वो तो एसिड के प्रेजेंट में इफेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ, H2S। अब कितने सल्फर है यहाँ, N सल्फर है। तो अब आप एक चीज नोट करिए, अगर हमारे पास N सल्फर हुए तो उसके लिए हमें कितने H+ डालने पड़ेंगे, देख सकते हो कितने H+ डालने पड़ेंगे, 2NH+। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक सल्फर हुआ उसके लिए हमें कितने H+ डालने पड़ेंगे, 2। अगर हमारे पास चार सल्फर हुआ उसके लिए कितने H+ डालेंगे, 8H+। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि हमें इतने लेबाइल सल्फर निकालने तो उसके लिए हमें कितने H+ डालने पड़ेंगे, या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर इतने H+ डाले तो हमारे कितने सल्फर निकलेंगे। ओके, तो इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, अब पहली चीज़ आती है रूब्रेडॉक्सिन। ठीक है, रूब्रेडॉक्सिन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, Fe1S0। मतलब इसमें क्या हुआ, एक Fe है, अब S0 है, मतलब कोई भी लेबाइल सल्फर नहीं है। तो अब मैंने आपको पीछे बताया था कि Fe के साथ हमारे चार सल्फर लगे होते हैं टेट्राहेड्रली।
अगर यहाँ लेबाइल सल्फर एक भी नहीं है तो क्या बचे हमारे इसके कौन से सल्फर लगे होंगे नॉन लेबाइल, तो हमारे यहाँ चार नॉन लेबाइल सल्फर होंगे। और यहाँ हमारे पास जीरो लेबाइल है, लेबाइल सल्फर। ओके, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसे बनेगा हमारा Fe सल्फर ऑफ सिस्टीन, यहाँ भी सल्फर ऑफ सिस्टीन, यहाँ भी सल्फर ऑफ सिस्टीन एंड यहाँ भी सल्फर ऑफ सिस्टीन। ओके, अब देखिए, अब रुब्रेडॉक्सिन में ना यहाँ दो तरह के Fe की मतलब दो तरह के Fe एग्जिस्ट करते हैं। पहला आता है हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड सेकेंड आता है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म। अब जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना उसमें हमारा Fe प्रेजेंट होता है हमारा Fe प्लस थ्री में, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में हमारा Fe प्रेजेंट होता है Fe प्लस टू में। एक ही Fe है ना, ठीक है, अगर Fe प्लस थ्री में है तो उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए, तो मतलब ये क्या होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक। अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये ESR एक्टिव भी होगा, ठीक है। सिमिलरली Fe प्लस टू, अच्छा ठीक है, अगर इसके मैं स्पिन स्टेट लिखूं तो इसकी स्पिन स्टेट कितनी आएगी, पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इंटू हाफ उनका स्पिन, तो कितना हुआ 5/2। ओके, अब इसमें हमारा Fe प्लस टू में है, मतलब अगर इसके मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, अब मैं इसको उल्टा क्यों लिख रही हूँ, ये कोई टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल हमारा E नीचे आता है और T2 ऊपर आता है। ओके, अब इसमें छः इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 1 2 3 4, फोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी स्पिन स्टेट क्या होगी 4 × 1/2 विच इज इक्वल टू 2। ओके, प्लस ऊपर से क्या है हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर क्या होगा ये पैरा मैग्नेटिक, अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा हमारा प्लस ESR एक्टिव भी। ओके, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट आपके लिए, इतना ही काफी रहेगा इसमें। तो देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा, एक Fe है हमारा, चार नॉन लेबाइल सल्फर हैं, जीरो लेबाइल सल्फर हैं, दो फॉर्म होती है, एक होती है ऑक्सीडाइज्ड, एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में Fe होता है प्लस थ्री में एंड रिड्यूस में होता है Fe प्लस टू में, बाकी आप निकाल सकते हो स्पिन स्टेट भी और पैरा होता है सब कुछ, ठीक है। एंड एक और चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है वो होती है हमारी कलर्ड, एंड जो रिड्यूस होती है वो होती है हमारी कलरलेस, एंड से कलर होता है ड्यू टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, अब आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं फेरडॉक्सिन में। फेरडॉक्सिन में भी क्या होता है ना, जब हमारे एक से ज़्यादा Fe प्रेजेंट होते हैं उसमें हम आते हैं, उसको बोलते हैं फेरडॉक्सिन। जैसे कि Fe2S2, यहाँ दो हैं, यहाँ चार Fe हैं, यहाँ तीन Fe हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। चलो चलिए पहले करते हैं हम Fe2S2 को, Fe2S2। अब देखिए एक और चीज़ पीछे आप नोट करिए, जो है जो हमारे रुब्रेडॉक्सिन होते हैं उसको हम बोलते हैं, एक और नाम होता है दैट इज बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन। ओके, चलिए अब जो हमारी Fe2S2 है ना इसको हम बोलते हैं फोटो सिंथेटिक फेरेडॉक्सिन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, एक Fe है, दो Fe है, सॉरी यहाँ भी एक Fe है, दो लेबाइल सल्फर आप देख सकते हैं, तो यहाँ दो लेबाइल सल्फर आएंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहना चाहिए, ठीक है, तो अगर दो लेबाइल लग गए तो दो क्या लगेंगे यहाँ
नॉन लेबाई सल्फर. ओके, देखिए काफ़ी इजी रहता है ये पार्ट, आप ये एक बार पढ़ लीजिए, बाद में आप इसको दोबारा रिवाइज करके आपका एक बार मतलब आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या किया ये सब कुछ. ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बनाया स्ट्रक्चर, तो अभी आप बताइए इसमें Fe कितने हैं, दो Fe हैं, लेबाइल सल्फर कितने हैं, दो लेबाइल सल्फर हैं, एंड नॉन लेबाइल कितने हैं, चार नॉन लेबाइल सल्फर हैं. इस पर पेपर में पूछा भी गया था हमारा, सॉरी पीछे पूछा गया था, फेडोक्सिन रुबिडोक्सिन भी इस पर पूछा गया था. ठीक है, अब चलते हैं आगे. सिमिलरली जैसे पीछे किया था वैसे इसको भी करेंगे. इसकी भी दो फॉर्म होती हैं, एक होती है ऑक्सीडाइज्ड एंड एक आएगी हमारी रिड्यूस फॉर्म. अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे दोनों Fe प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे एंड रिड्यूस फॉर्म में हमारा एक Fe होगा प्लस टू में और एक Fe होगा हमारा प्लस थ्री में. ठीक है, अब देखिए दो Fe हैं, दो Fe प्लस थ्री में हैं, मतलब एक Fe के पास पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर इनकी मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करवाना चाहूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा बन गया. ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ भी एक्स्ट्रा बन गया, एक पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे ना Fe थ्री में, थ्री प्लस में. ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगर इनकी मैं करवाऊँ एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग तो क्या होगा, हमारे ये पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, वन एक पेयर दूसरा तीसरा चौथा एंड पांच. अब देखिए हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो अब ये क्या होगा हमारा डाया मैग्नेटिक दैट इज ESR इनएक्टिव, है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास ना. ओके, अब रिड्यूस फॉर्म में अब हम देख सकते हो एक Fe प्लस टू में और एक Fe प्लस थ्री में है. अब इनकी जब मैं पेयरिंग करवाऊंगी, देखिए इसके पास पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो चार और चार तो हो जाएंगे, बचा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी स्पिन स्टेट क्या होगी हमारी, हाफ. अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ हमारा पैरा मैग्नेटिक एन प्लस ESR एक्टिव, बस इतना सफिशिएंट है इसके लिए. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब आगे है Fe4S4, काफी स्टेबल होता है ये. ठीक है, अब देखिए इसका क्यूबेन जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, प्लस क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर. क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अब देखिए इसमें कितने Fe हैं, काउंट करिए, वन मैं इसको कल करती हूँ, 1 2 3 4 चार हो गए Fe, यहाँ लिखा भी गया ना Fe4S4, चार लेबाइल सल्फर भी होने चाहिए, 1 2 3 4 चार आगे हमारे पास लेबाइल सल्फर. अगर चार लेबाइल सल्फर आ गए तो हमें पता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का चार होना चाहिए, तो यहाँ भी बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी, यहाँ भी. अब एक बॉन्ड बनाएगा ये हमारा नॉन लेबाइल सल्फर के साथ, तो नॉन लेबाइल सल्फर कितने हैं उसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड चार हमारे क्या इसमें नॉन लेबाइल सल्फर. ओके, अब देखिए इसमें सेम आएगा ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड यहाँ आ जाएगा हमारा, इसको मैं यहाँ ऑक्सीडाइज्ड और यहाँ आएगा हमारा रिड्यूस फॉर्म. अब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या होगा ना,
दो एफ ई होंगे हमारे प्लस थ्री में एंड दो एफ ई होंगे हमारे प्लस टू में, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों की मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करवाऊं तो ये तो पेयर्ड हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे जितने अनपेयर्ड होंगे सब पेयरिंग में चले जाएंगे, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो उसकी स्पिन स्टेट क्या होगी, जीरो। प्लस ये क्या होगा हमारा डाया मैग्नेटिक एन प्लस ESR इनएक्टिव। एंड रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा हमारा, तीन होंगे हमारे Fe प्लस टू में, एक होगा हमारा Fe प्लस थ्री में। अब दो Fe तो हमारे Fe प्लस टू के जो दो Fe निकाल दूं मैं तो वो तो हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग से वो पेयर्ड हो जाएंगे। अब बचा एक Fe प्लस टू और एक Fe प्लस थ्री। अब इन दोनों की जब करवाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका S क्या होगा हमारा हाफ, तो ये क्या होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक प्लस ESR इन सॉरी एक्टिव। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ESR एक्टिव होता है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है इसके लिए। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे है Fe3S4। ओके अब देखिए इसमें क्या है ना, तीन तो हो गए Fe, थ्री Fe आ गए। लेबाइल सल्फर कितने हैं, यहाँ चार लेबाइल सल्फर हैं, एन वन टू थ्री, थ्री हमारे पास नॉन लेबाइल हैं, ये लेबाइल वाले हैं और ये हमारे नॉन लेबाइल हैं। अब एक और चीज़ नोट करिए, ये देखिए यहाँ में, अब देखिए ये वाला सल्फर दो Fe के साथ कनेक्टेड है, ये वाला सल्फर तीन Fe के साथ कनेक्टेड है, ये वाला सल्फर भी दो Fe के साथ कनेक्टेड है एंड ये वाला भी सल्फर दो Fe के साथ कनेक्टेड है। तो जो हमारा लेबाइल सल्फर है ना, कितने लेबाइल सल्फर थे हमारे, चार, वन सेकेंड, चार सल्फर जो लेबाइल के थे उसमें से एक लेबाइल सल्फर थ्री Fe के साथ ब्रिजिंग में जा रहा है, थ्री Fe के साथ कनेक्टेड है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला हमारा म्यू थ्री, एक दो तीन, और हमारे तीन सल्फर दो Fe के साथ ब्रिजिंग में हैं, ये वाला ये भी म्यू टू है, ये भी दो Fe के साथ ब्रिजिंग में है और ये वाला भी दो Fe के साथ ब्रिजिंग में है। तो चार लेबाइल सल्फर में एक जाएगा थ्री Fe के साथ ब्रिजिंग में, थ्री Fe के साथ कनेक्टेड है और यहाँ दो तीन हमारे दो Fe के साथ कनेक्टेड है। ओके अब सिमिलरली इसमें लिखेंगे हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड यहाँ रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हमारे तीनों Fe प्लस थ्री में होंगे और हमारा यहाँ दो Fe प्लस थ्री में एंड एक Fe प्लस टू में होगा। ओके अब देखिए प्लस टू में, अब तीन Fe प्लस थ्री में है, दो की तो कपलिंग हो जाएगी, बचा एक। अब एक Fe प्लस थ्री में मतलब पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी स्पिन स्टेट कितनी आएगी हमारी, फाइव बाय टू। ऊपर से ये होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर प्लस ESR एक्टिव, ठीक है। अब इसमें देखिए दो Fe प्लस थ्री तो कपलिंग कर लेंगे, बचा एक Fe प्लस टू, तो उसमें हमारे चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी स्पिन स्टेट क्या होगी हमारी, फोर बाय टू, दैट इज इक्वल टू टू। मतलब ये भी हुआ हमारा पैरा मैग्नेटिक इन नेचर प्लस ESR एक्टिव। एंड इन सब का ना जो काम होता है ना, इन सब के जितना मैंने नॉन हीम प्रोटीन पढ़े, नॉन हीम प्रोटीन जितने भी हमने पढ़े अभी, इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएजेंट, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, जितने भी हमने अभी पढ़े ना नॉन हीम प्रोटीन
फेरडॉक्सिन, रुबेडॉक्सिन, इन सब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। ठीक है, अब हमारा नॉन हीम प्रोटीन पार्ट यहीं खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे हीम प्रोटीन। आगे चलते हैं। अब हीम प्रोटीन में क्या आता है, अब हीम प्रोटीन में पहले हम पढ़ेंगे साइटोक्रोम, जिसमें आते हैं ए बी सी। इसमें आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पूरा मत लर्न करिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर पूछते भी नहीं है। इसमें पूछें क्या, जैसे पूछ सकते हैं कि आर, यहाँ मैंने आर टू लिखा या आर वन लिखा है। अगर सिंपली लर्न करने का तरीका है, अगर आर वन आर टू में एल्कीन और एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ तो वो होता है साइटोक्रोम ए। अगर आर वन आर टू की जगह लगा हुआ एल्कीन ग्रुप तो उसको बोलते हैं साइटोक्रोम बी। अगर आर वन आर टू की जगह कोई भी सल्फर जैसा प्रोटीन लगा उसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी। बस इतना सफिशेंट है, साइटोक्रोम सी, बस इतना ही पढ़ना है। ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अब देखिए अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेटिंग साइट पूछ लेती हूँ, तो हमारा यहाँ जो साइटोक्रोम है इसकी चार कोऑर्डिनेटिंग साइट कहाँ से लगी हुई है, ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन ऑफ पॉरफायरिंग रिंग। तो पहला पॉइंट आएगा फोर कोऑर्डिनेटिंग साइट is occupied by nitrogen of porphyrin ring। ठीक है, अब देखिए fifth site is occupied by nitrogen of histidine, fifth site is occupied by nitrogen of histidine and sixth site is occupied by sulfur of methionine, occupied by sulfur of methionine। बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ने के लिए। एंड एक और चीज़, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, ऊपर करके दिखाती हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमारा साइटोक्रोम बी टू सी देन ए। इसका लर्न करने का तरीका मैंने क्या रखा हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, हम करते ना बीसीए डिग्री, तो बस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से मैंने याद रखा बीसीए। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो साइटोक्रोम बी का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है 0.03 वोल्ट, सी की आती है हमारी 0.26 वोल्ट, ए की आती है 0.4 वोल्ट। तो हमारा यहाँ क्या जा रहा, लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। बस इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। ठीक है, हमारे जितने भी हीम प्रोटीन है सबका काम, अभी जितने हम पढ़ रहे हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता हमारा साइटोक्रोम P45। पहले हम वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ा ना साइटोक्रोम, इसमें एफ ई ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा एफ ई प्लस थ्री में, एंड रिड्यूस फॉर्म में होगा एफ ई प्लस टू में, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, साइटोक्रोम पी 45 में ना हमारा जो एफ ई होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ मैं यहाँ, साइटोक्रोम पी 45, अब हम इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब साइटोक्रोम पी 45 में जो हमारा एफ ई है ना, वो होता है हमारा प्लस थ्री एंड लो स्पिन में। ओके, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, इसमें जो चार साइड है ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन ऑफ पॉरफायरिन रिंग, 1, 2, 3, 4, ये साइड तो ऑक्यूपाइड होगी, फोर साइड चलेगी हमारी वहाँ। फिफ्थ साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द सल्फर ऑफ 16, यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है, सल्फर ऑफ 16। एंड सिक्स साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। ठीक है, तो फिफ्थ साइड में क्या लगा हुआ है, सल्फर ऑफ 16, एंड सिक्स साइड में क्या लगा है हमारा, वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, एक और चीज़ भी, ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरिया में। ऊपर से इसकी जो ये कौन सी हमारी वेवलेंथ की हमारी अब्जॉर्प्शन करती है, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है। और हमें पता कि 450 में हमें कौन सा बैंड दिखता है, शॉर्ट बैंड ड्यू टू पाई टू पाई ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, हमारे ऑटो की क्लीवेज करवाता है। सिंपली रिएक्शन आपको लिख के दिखाती हूँ मैं यहाँ।
इसमें क्या होगा ना, कोई भी एल्केन ले लेते हैं और उसमें मैंने डाला ऑक्सीजन प्लस एच पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया हमारा यहाँ एल्केन में एंड एक ने क्या बनाया वाटर, तो इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ यहाँ के टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है इस तरह बैलेंस भी हो गए, ठीक है। तो अब देख सकते ऑक्सीजन एक तो हमारा यहाँ एल्केन ग्रुप में इंसर्ट हुआ, एक ऑक्सीजन वहाँ गया, एक ऑक्सीजन ने हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, पहला काम हमारा एल्केन टू अल्कोहल बना, सेकंड काम क्या होगा हमारा, अगर मैं कोई एल्डिहाइड ग्रुप ले लूँ एंड इसमें मैं साइटोक्रोम P45 बनाऊँ डालूँ तो क्या बनेगा हमारा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक और कोई भी मैंने एल्कीन लिया उसमें साइटोक्रोम P45 डाला तो क्या बनेगा हमारा इपोक्साइड, ओके। तो इसका ये काम होता है, ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है, ठीक है। और इन शॉर्ट क्या बताती हूँ, देखो हमारा अब देखिए हमारी जो किडनी होता है उसमें हमारा साइटोक्रोम P45 होता है, तो जैसे हम कोई हाइड्रोकार्बन कुछ भी खाते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन हमने इनटेक किया तो वो हमारा बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होकर साइटोक्रोम के साथ रिएक्ट करके वो अल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमें खाने के बाद नींद भी आती है, इसका यही रीज़न होता है। जैसे हम कुछ खाते हैं वो हमारे अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमें बोलते हैं खाने के बाद बहुत नींद आती है, इसका यही रीज़न होता है, ठीक है। अब आगे चलती है, तो इसका काम क्या आपको मैंने बताया, ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है, एक तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ ऐड हुआ, एक ऑक्सीजन हमारा वाटर बनाया, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछ भी सकते हैं कि आपके कहाँ कहाँ कन्वर्ट हुआ, एक ऑक्सीजन आपके यहाँ बना और एक ऑक्सीजन आपका यहाँ ऐड हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आता हमारा O2 ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है। अब O2 ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने, ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए दो हीम प्रोटीन आते हैं, तो दो तरह के होते, एक होता है हीम प्रोटीन, एक होता है हमारा नॉन हीम प्रोटीन। अब हीम प्रोटीन में आते हैं हमारे हीमोग्लोबिन, सेकेंड इज मायोग्लोबिन एंड नॉन हीम प्रोटीन में आते हैं हमारे हीमोसाइनिन एंड हीमरिथ्रिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे हीम प्रोटीन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा हीम प्रोटीन में पहला आता हमारा हीमोग्लोबिन, अब जो हमारा मायोग्लोबिन सेम इसकी तरह ही होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक ही करवाऊंगी अभी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपके सामने मैंने यहाँ एक बनाया हुआ रिंग, उसमें मैंने एफ ई डाला हुआ है और हमारी पोरफाइड रिंग है, नीचे हमारा इमिडाजोल रिंग लगी हुई है, ऊपर हमारी वेकेंट साइट है। अगर इस साइट में, अगर ये साइट क्या हुई हमारी वेकेंट या इसमें लगा हुआ वाटर, तो हमारा बनेगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर यहाँ लगा हुआ O2 तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब देखिए वन सेकेंड, हाँ तो दो तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, एक होता हमारा ऑक्सी, एक होता हमारा डीऑक्सी। अब मैंने यहाँ लिखा भी है ऑक्सी एंड डीऑक्सी, पहले इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ साथ साथ। अब पहले हम पढ़ेंगे डीऑक्सी फॉर्म, डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है ना, पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट Fe प्लस टू में होता है एंड साथ में हाई स्पिन में, ओके। अब ये हाई स्पिन में है, अगर इलेक्ट्रॉन फिल करूं मैं तो कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें एक पॉइंट अब नोट करिए, समझिए क्या मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेड किस में आया, डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिटल में है, डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर में। अगर मैं सिंपल रिंग बनाऊं तो हमारा ये एफ ई होता है या हमारे नाइट्रोजन लगे होते हैं, यहाँ रिंग के नाइट्रोजन होते हैं ना, ठीक है। और यहाँ ऊपर सोच लो प्रोटीन चेन है, नीचे वेकेंट साइट है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारी प्रोटीन चेन है ये तो होगी हमारी जेड एक्सिस के अलोन, नाइट्रोजन होंगे हमारे एक्स और वाई प्लेन में। अब देखिए हमारे जो एफ ई की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस ऑर्बिटल में है, डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर में, हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है एंड एक्स वाई प्लेन में हमारे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब ड्यू टू क्या, अब नाइट्रोजन के लोन पेयर
एन प्लस माई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, या होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इस वजह से क्या होगा ना हमारा, अब हमारा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होगा. अब क्या होगा, यहाँ हमारे नाइट्रोजन है ना, ड्यू टू रिपल्शन हमारा जो एफ ई है ना वो अबव द प्लेन चला जाएगा. डीऑक्सी फॉर्म में हमारा जो यहाँ प्रोटीन चेन लगी हुई है हमारी, ठीक है, तो ड्यू टू रिपल्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, क्योंकि हमारे एफ ए के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और हमारी जो रिंग है उसके भी एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी हमारा एफ ए थोड़ा अबव द प्लेन चला जाएगा. इसकी लेंथ होती है हमारी 40 पिकोमीटर. इसकी वन सेकेंड, ये वाली जो लेंथ है ये है 40 पिकोमीटर, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, स्क्वायर पिरामिडल. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर हुआ स्क्वायर पिरामिडल प्लस ये क्या था हमारा एफ ई प्लस टू हाई स्पिन था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है तो ये क्या होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक प्लस ESR एक्टिव. एंड एक और चीज, अब देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें टेंस भी होती है क्योंकि एफ ई अबव द प्लेन में स्ट्रेन भी आ रहा है, हमारी प्रोटीन चेन भी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, रिंग भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होती है, इस वजह से इसमें आती है थोड़ी स्ट्रेन. तो हमारी जो डीऑक्सी फॉर्म होती है वो होती है हमारी टेंस फॉर्म. ओके, तो इतना सफिशिएंट इसके लिए. अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीफॉर्म. ऑक्सीफॉर्म में क्या होगा ना, वन सेकेंड, इसमें हमारा एफ ए होता है प्लस टू लो स्पिन. अगर लो स्पिन है तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो टी टू जी में फिल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना. अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल में, मतलब अब कोई रिपल्शन नहीं होगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं इस ऑर्बिटल में. तो अब क्या होगा ना हमारा जो, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका स्ट्रक्चर वन सेकेंड, अब थोड़ा ध्यान से समझना इसमें क्या होगा देखना भी. अब कोई पल्शन नहीं है तो एफ ए तो इसके प्लेन में लाइक करेगा आराम से. यहां बनाई है मैंने हमारी प्रोटीन चेन, ऑक्सीफॉर्म है तो मतलब यहां लगा हुआ ऑक्सीजन, ठीक है. तो इसका जो ज्योमेट्री आती है वो होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब ये क्या होगा हमारा ESR इनएक्टिव, N प्लस डाया मैग्नेटिक. ओके, एंड एक और चीज, अब हमारा एफ ए ना बहुत रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, आराम से फिट भी हो चुका है, प्रोटीन चेन भी कोई स्ट्रेन फील नहीं कर रही है, आराम से लगी हुई अपनी जगह से, तो इसकी ये होती है हमारी रिलैक्स्ड फॉर्म, ठीक है. ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार, कौन सी रिलैक्स्ड फॉर्म होती है कौन सी हमारी टेंस फॉर्म होती है. तो ऑक्सी फॉर्म होती है रिलैक्स्ड और डीऑक्सी फॉर्म होती है टेंस. अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए, अब ना यहाँ होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के एच में ऑक्सीजन में क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से क्या होता है हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा बेंट होता है, बेंट फॉर्म में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ क्या हो रही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, एंड प्लस एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो होता है हमारे सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में विच इज ओ टू नेगेटिव, ठीक है. तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है. एक तो इसका प्लस पॉइंट, इसमें जो पॉइंट नोट करना वो है कि एक सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होता है, बेंट में होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, रिलैक्स्ड होता है, एफ ई प्लस टू लो स्पिन होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ज्योमेट्री एंड ESR इनएक्टिव. बस सफिशिएंट, इतना ही पूछेंगे आपको इसमें से, ठीक है.
अगर सिंपलेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ मैं, आप नोट कर लीजिए ये अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट मत याद करना, O2 की आती है हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 1500 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सुपरऑक्साइड फोम की आती है हमारी 1100 अप्रॉक्सीमेटली, एंड परऑक्साइड की आती है, वन सेकेंड, सबसे कम इसकी आती है हमारी 800 अप्रॉक्सीमेटली, 1500, 1100, 800, बस एग्जैक्ट मत लर्न करना, अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया होना चाहिए कितनी आती है, ठीक है। तो आप इतना इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल चेन, ठीक है। तो पहले आता है इसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट। अब कोऑपरेटिव इफेक्ट में आपको मैंने बताया कि डिऑक्सी फॉर्म को बोलते हैं टेंस फॉर्म, साथ में टी फॉर्म भी बोलते हैं, और ऑक्सी फॉर्म को हम रिलैक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, वो आपको मैंने पीछे समझा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कोऑपरेटिव इफेक्ट में क्या होता है ना, ये ऐसा फिनोमेना होता है जैसे हमारा, जैसे जो पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा हमारे हीम ग्रुप के साथ, वो थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जब ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा ना, वो बाकी ऑक्सीजन को एनकरेज करेगा कि वो इजिली बाइंड कर सके हमारे हीम अनदर हीम ग्रुप के साथ। सिंपली आपको बताती हूँ क्या होता है इसमें। जैसे सोचिए हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन लिया K1, बाइंड कर गया, ठीक है। अब जो हमारा पहला ये रिएक्शन हुआ ना, जो पहला ऑक्सीजन बाइंड किया, वो थोड़ा टफ रहता है एज कम्पेयर टू जब बाकी ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। अब देखिए जब इसके साथ एक सेकेंड ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो रेट आएगा K2, एंड K2 थोड़ा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू K1, तो क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन O2N2। सिमिलरली जब हमारा एक और ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाएगा तो उसका रेट इससे भी फास्ट होगा, तो ये बनाएगा हीमोग्लोबिन O2 3, एंड एक और जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ K4, तो बनेगा हीमोग्लोबिन 4, ठीक है। तो ये K3 था, ये था K4, तो उसका रेट लिखना चाहूँ तो K4 फास्ट होगा, देन K3, देन K2, देन K1, ओके। ये होता हमारा कोऑपरेटिव इफेक्ट, ठीक है। और एक और चीज़, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये आपको मैंने बताया नहीं, हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है बाय हीमोग्लोबिन, एंड यहाँ जाके जो ऑक्सीजन स्टोर होता है ना, उसको बोलते हैं हम मायोग्लोबिन, ओके। चलिए ये तो बेसिक था, आगे चलते हैं। अब आगे एक और फंक्शन होता है, अगर हमारा ग्लोबिन चेन जो होता है अगर उसको हम निकाल देना तो क्या होगा, देखिए अब हमारा एक हिम ग्रुप है, फ्री है, उसमें कोई ग्लोबिन चेन नहीं लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जो हमारा हिम ग्रुप है जो फ्री ग्लोबिन चेन जिसमें नहीं लगी हुई है, तो वो ऑक्सीजन बाइंड करके क्या बनाएगा, म्यू ऑक्सो डाइमर, जिसको हम बोलते हैं हीमटीन। अब हीमटीन क्या करेगा ना, हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देगा, अनेबल दी O2 ट्रांसपोर्ट, मतलब हमारा जो प्रोटीन चेन है, जो ग्लोबिन चेन है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसको निकाल देंगे तो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हीमटीन, जो कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा ना, सिंपल हमने एक हीम ग्रुप लिया, ऑक्सीजन बाइंड करके उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, जब ये कॉम्प्लेक्स ने एक और हीम ग्रुप के साथ रिएक्ट किया तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ क्या हो रही है, म्यू ऑक्सो लिंकेज। एंड आप साथ देखते जाइए, वन सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, यहाँ Fe2 में था, अब यहाँ क्या बन गया, Fe3। अब जैसे इसकी क्लीवेज होगी हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। अब जब ये कॉम्प्लेक्स एक और हमारे हीम ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो हमारा बनेगा हीमटीन, जिसमें हमारी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3। क्या होता है, PFe3 ऑक्सीजन एंड Fe3,
ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है कि हीमटिन का आपको सिंपली पूछा गया था इसमें से हीमटिन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये बनता है हमारा Fe3 ऑक्सीजन Fe3 और पोरफाइड रिंग है, इसको बोलते हैं हम हीमटिन, एंड ये हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, वन सेकेंड, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, अगर हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ तो हमारे ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर लंग्स में हमारे, क्या मैंने बोला, अगर हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ ऑक्सीजन का तो उसकी बाइंडिंग अफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा रहती है, और टिश्यू में अगर पार्शियल प्रेशर कम होता है तो उसकी बाइंडिंग मायोग्लोबिन के साथ ज़्यादा रहती है। तो एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा मायोग्लोबिन बाइंड करता है, एंड एट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंडिंग विद O2 इन हीमोग्लोबिन इज गिवन बाय। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने लिख दी है, अब आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, 100% पेपर में आता है ये। ठीक है, ग्राफ पूछते हैं, सर ग्राफ बताऊँ कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, फ्रैक्शन जो कि रेट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन आपके सामने, मैंने इक्वेशन लिख दी है, अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहला केस है। ठीक है, ये यहाँ लिखती हूँ मैं, वन सेकेंड, ये हमारा केस 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, के पी ओ टू बाय के पी ओ टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, दैट इज पार्शियल प्रेशर फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये 0 ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब केस पढ़ेंगे हम सेकंड, अब केस सेकंड में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर हमने यहां लिया था हाई, अब लेंगे हम लो, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर लो लेते हैं, दैट इज लेस देन 1, तो क्या बनेगा, फ्रैक्शन, सॉरी रेट इज इक्वल टू के पी नोट नीचे आएगा 1, विच इज मतलब हमारा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा 1, तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ आता है ना, मैं यहाँ बना रही हूँ रेट वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसकी कर्व आती है हमारी इस तरह से, दिस इज फॉर 0 ऑर्डर एंड दिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या हमारी कर्व आई हाई पर, वन सेकेंड, हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, पेपर पूछ चुके एक बार कि मायोग्लोबिन के लिए कैसी कर्व आती है, हाइपरबोलिक। ठीक है, एंड इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच, ये हमारी पीएच पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सिमिलरली हम बनाएंगे फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए, तो क्या इक्वेशन बनती है, हीमोग्लोबिन प्लस ओ टू, क्या देंगे हमें, हीमोग्लोबिन एंड ओ टू। ठीक है, सिंपली मैं रेट लिख दिया, अब इक्वेशन मैं बनाती हूँ उसके लिए भी सिमिलरली वैसे होगी, इसके लिए इक्वेशन में क्या थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारे पीएच में डिपेंड करता है, तो उसके लिए कर्व इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ हम लिखेंगे एन, इसकी पावर में हमने क्या लिखा है यहाँ एन। ठीक है, अब जो एन होता है उसको हम बोलते हैं हिल्स कांस्टेंट, अब जो हिल कांस्टेंट है ना, तो पहला केस क्या बनता है इसका, एक ही केस बनेगा, केस 1 एट पीएच
7.4, हमारी n की वैल्यू आती है 2.8, तो हमारा f क्या होगा, k p o2 2.8 by 1 plus k p o2 2.8। अब इसके लिए मैं कर्व बनाना चाहूँ तो इसकी कर्व कैसे आती है, यहाँ मैं बना देती हूँ, इसकी कर्व आएगी यहाँ, यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन, यहाँ आएगा पार्शियल प्रेशर, तो इसकी कर्व आती है हमारी इस तरह से, इसे हम बोलते हैं सिग्मोइडल, सिग्मोइडल कर्व। अब देखिए थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, जो हमारी अब देखते हैं यहाँ बन रही थोड़ी लीनियर कर्व आ रही है, वो यहाँ जाके कांस्टेंट हो रही है। हम ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पता है हमने कोऑपरेटिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें क्या था, जब हमारा ऑक्सीजन पहला बाइंड करता है ना वो थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो उसके लिए आ गया थोड़ा लीनियर, एंड बाकी जितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे हमारे हीमोग्लोबिन के साथ उनका रेट बहुत फास्ट होता है, वो काफ़ी ईजिली बाइंड कर जाती है ड्यू टू कोऑपरेटिव इफेक्ट, इसलिए उसका कर्व आ रहा है, सॉरी स्टेट कर्व आ रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मायोग्लोबिन के लिए जो कर्व आता है वो होता है हमारा हाइपरबोलिक, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था कर्व क्या होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक एंड इट इज पीएच इंडिपेंडेंट, एंड हीमोग्लोबिन के लिए जो कर्व आता है वो होता है हमारा सिग्मोइडल, सिग्मोइडल एंड इट इज पीएच डिपेंडेंट। ओके, बस इतना सफिशिएंट है, आगे चलते हैं। अब बोहर्स इफेक्ट, इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए कि कोऑपरेटिव इफेक्ट हमारा पीएच डिपेंडेंट होता है, और मैंने नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर डाई ऑक्सीजन इज डिक्रीज विद डिक्रीज इन पीएच। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारी पीएच लेस होगी, समझो ये टाइप से एसिडिक इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट में जब हमारी पीएच कम होगी हमारी हीमोग्लोबिन की इन्फिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन बाइंड करने की, ठीक है, एंड जब हमारा बेसिक इन्वायरमेंट होगा मतलब तो हमारी पीएच ज़्यादा होगी तब हमारी हीमोग्लोबिन की ज़्यादा अफिनिटी होगी ऑक्सीजन बाइंड करने की। तो मैंने यहाँ ये लिखा है, जब हमारी पीएच डिक्रीज करती है तो हमारी हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है बाइंड करने की ऑक्सीजन के साथ वो भी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो आई होप आप इस समझ के होंगे, बस इतना सफिशिएंट है इसके लिए। अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, मैंने आपको जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में दो तरह के कराए थे, एक होता है हीम प्रोटीन, एक होता है नॉन हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन में क्या आते थे, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वो हमने पढ़ लिए। अब बच्चे हमारे दो, एक क्या था हीमोसाइनिन, एक था हीमरिथ्रिन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझिए, स्टार लगा लें इनके ऊपर, ठीक है, पेपर पूछे जाते हैं ये, ठीक है। अब आता है हमारा हीमोसाइनिन, पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, पहला पॉइंट, ना ही इसमें कोई हिम ग्रुप होगा, नो हिम ग्रुप, नो हिम ग्रुप प्लस नो साइनाइड ग्रुप, ठीक है। अब हीमोसाइनिन का मतलब क्या होता है, ब्लू ब्लड, ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और ये हमें कहाँ पाए जाते हैं, नहीं सर, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज, वन सेकेंड, जिनकी जिनकी बोन नहीं होती, जैसे स्नेल्स होते हैं हमारे, इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, बोनलेस स्पीशीज जितनी होती हमारे स्नेल्स होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोसाइनिन उनमें पाया जाता है, ठीक है ये। अब इसके भी दो फॉर्म होती है, एक होती है डीऑक्सी फॉर्म, एक होती है ऑक्सी फॉर्म। पहले हम पढ़ेंगे डीऑक्सी फॉर्म, साथ ही साथ पढ़ाऊंगी इसको मैं, ठीक है। डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, पहली चीज इसमें दो कॉपर होंगे, ठीक है, दो कॉपर होंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बनाती हूँ, कॉपर प्लस वन, कॉपर प्लस वन, एंड यहाँ लगेंगे तीन हमारे नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, इजी, काफ़ी इजी है ये वाला भी, एक बार समझ जाएंगे तो आपको
फिर आपको मतलब एक बार इसको बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार समझ जाओ उसको बस, ठीक है। मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें क्या मैंने बताया आपको, पहला पॉइंट, दो कॉपर हैं प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकंड पॉइंट, कितने हमारे पास हिस्टिडीन लगे हैं, यहाँ 6 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन है। एक और चीज़, हमारे दोनों कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं प्लस वन। अगर मैं इन दोनों की एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करवाऊंगी तो इनके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वन सेकेंड, इसके पास होते हैं 11, 10, नहीं नहीं इसके पास, तो हमारे इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगी, 3d 10 4s 2। हाँ नाइट्रोजन, हाँ ठीक है। अगर इसका मैं एक निकाल दूँ, वन सेकेंड, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ वन आता है, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3d हो गया हमारे पास 10, मतलब फुली फील्ड है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास ये क्या होगा हमारा, डाया मैग्नेटिक। आगे डाया मैग्नेटिक है तो ये क्या होगा हमारा, प्लस ESR इनएक्टिव। एंड एक और चीज़, ये होता है कलरलेस, ओके इतना सफिशिएंट है। एक हाँ, पहले साथ में आपको मैं ऑक्सी करवाती हूँ, फिर एक और पॉइंट लिखाऊंगी आपको मैं। अब ऑक्सी में क्या होगा, इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ, अब यहाँ लिख देती हूँ, कॉपर प्लस वन में जब ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा, यहाँ दो कॉपर थे, 2 कॉपर प्लस 2 प्लस 2O, हाँ 2O2 नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना ये, परोक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर मैं इसका बनाऊँ स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉपर प्लस टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉपर प्लस टू, यहाँ हमारे हिस्टिडीन ग्रुप लगेगा, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ हमारा कॉपर दो, सॉरी यहाँ हमारा ऑक्सीजन दो कॉपर के साथ ब्रिजिंग में है, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं म्यू ईटा टू ब्रिजिंग, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ कॉपर हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब D9 सिस्टम है, 3D9, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर इसकी मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करवाऊंगी तो जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएगा, तो ये भी होगा हमारा डाया मैग्नेटिक, एंड प्लस ESR इनएक्टिव। एंड एक और चीज, हमारी जो ऑक्सी फॉर्म होती है वो होती कलर, इसका रीजन होता है LMCT, इसका कलर होता है ब्लू, ओके। अब देखिए एक और चीज, इसमें जो कॉपर डिस्टेंस होता है ना, वो होता है हमारा 360 पिकोमीटर, एंड इसमें होता है हमारा 460 पिकोमीटर। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ होता है हमारा स्ट्रेन इन दोनों कॉपर के बीच में, और यहाँ कंपेरेटिवली कम स्ट्रेन होता है, कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेन, ओके ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है इसके लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे हीमरिथ्रिन। अब हीमरिथ्रिन में क्या होता है ना, ठीक है, अब इसमें वन सेकेंड, यहाँ इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। पहली फॉर्म आती है डीऑक्सी फॉर्म। अब डीऑक्सी फॉर्म में क्या हुआ, देखिए सेम इसका काम भी वही होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सेम जैसे वहाँ था वो इसका काम भी है। अब इसका काम में थोड़ा डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें कॉपर थे, इसमें दोनों Fe होंगे। तो हमारे डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, हमारे जो दोनों Fe हैं वो है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड दोनों हाई स्पिन में है। तो अगर उसके मैं पॉइंट लिखते जाऊँ साथ साथ, चलो यहाँ ही लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास दो Fe हैं प्लस टू, एंड दोनों हाई स्पिन में हैं।
तो दोनों की अगर मैं एंटी फेरमेटिक कपलिंग करवाऊंगी तो ये डायमनेटिक और ये सर इनएक्टिव होंगे, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब एक और चीज़ देखिए, अब मैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ, अब यहाँ चेक करिए 1, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5, मतलब कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, मतलब है वेकेंट साइट है। ओके अब देखिए, और यहां हमारी क्या है हाइड्रोक्सो लिंकेज, इन दोनों के बीच में हाइड्रोक्सो लिंकेज भी है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, अब 2Fe+2 में अगर मैंने ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बनेगा हमारा Fe+3N2O2 negative, ठीक है। तो हमारे अगेन हमारे यहाँ क्या बना परऑक्साइड। एंड एक और चीज़ आप पीछे एक और चीज़ नोट कर लीजिए, इनमें जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है ना ऑक्सीजन में ऑक्सी फॉर्म में, वो आती है हमारी 725 to 750 cm inverse, ठीक है ना। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ परऑक्साइड लिंकेज है, सॉरी परऑक्साइड लिंकेज हुई है, तो परऑक्साइड के लिए हमने लर्न किया था वहाँ कितनी समथिंग 800 थी, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है 725 to 750 cm inverse। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ ना, अब एक और चीज़ नोट करिए, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया, इसको मैं रब कर रही हूँ, अब हमारा डीऑक्सी फॉर्म के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड कर लिया। अब जो ऑक्सीजन है ना वो हमारा इस Fe के साथ लग के, इस Fe के साथ लगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना Fe+3N लो स्पिन बना, अगेन कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक और ये सर इनएक्टिव होगा, ठीक है। एंड प्लस ये कलर फॉर्म होती है, कलर होता है इसमें पर्पल, ठीक है। कलर क्या है इसका, पर्पल कलर कलर है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन आके हमारा बाइंड करेगा, यहाँ हिस्टिडीन है हमारे इस Fe के साथ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था। अब देखिए यहाँ हमारा जो ऑक्सीजन यहाँ आके बाइंड कर गया, यहाँ आके बाइंड कर गया, एंड यहाँ इसने बना दी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा जो हमारा हाइड्रोक्सो लिंकेज थी, जो हमारा हाइड्रोक्सो था उसका एच ना थोड़ा यहाँ वीक हो गया और उसने जाके हमारे ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। एंड ये जो पूरा जो बना है ना इसको हम बोलते हैं HO2 ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ परऑक्साइड लिंकेज हुई है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 843 cm inverse। एंड वन मोर थिंग, जब ना इसका मोसबा स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई ना तो उसे पता चला कि हमारा जो दोनों Fe+3 में है ना, दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब इन्वायरमेंट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो लिंक कर रहा है ना वो एक Fe के साथ लिंक की है, यहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन का कोई लिंकेज है ही नहीं है, तो दोनों का जो इन्वायरमेंट है डिफरेंट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे आ गया तो अब याद रखना कि दोनों का जो इन्वायरमेंट है डिफरेंट है, इतना सफिशिएंट इसके लिए। आगे चलते हैं, अब आगे आता हमारा विटामिन B12। अब विटामिन B12 में क्या है ना, देखिए इसमें एक तो हमारे पास क्या है Cobalt+3 में है लो स्पिन में, पहले पॉइंट नोट करती जाइए, ठीक है ना। एक क्या है Cobalt+3 लो स्पिन। एंड वन मोर थिंग, यहां जो रिंग है ना इसको बोलते हैं कोरिंग रिंग। कोरिंग रिंग में क्या होता है, हमारा एक CH2 बॉन्ड रिड्यूस कर देता है। अब देखिए, याद है आपको पीछे हमारा जो पोरफाइड रिंग थी उसमें क्या था, उसमें हमारे ऐसे यहाँ लगा था CH, हाँ डल बॉन्ड था, CH डल बॉन्ड था ना।
अब हमारा जो कोरी रिंग होगी ना उसमें हमारा ये वाला बॉन्ड रिड्यूस कर जाता है, यहाँ ऐसे लिंकेज होती है, इसको बोलते हैं हम कोरी रिंग। तो क्वेश्चन आया आपको कि विटामिन B12 में कौन सी रिंग होती है, तो क्या होती, कोरे रिंग होती है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें कोबाल्ट प्लस थी लोस्पिन में है। एंड एक और चीज़ इसमें देखिए, नाइट्रोजन, चार नाइट्रोजन लगे हमारे फॉर कोऑर्डिनेटिंग साइट इज ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन ऑफ कोरे रिंग, ठीक है। एक साइड और हमारी फिफ्थ साइड में क्या लगा हुआ, नाइट्रोजन ऑफ इमिडाजोल, एंड हमारे सिक्स्थ में एल लगा है। अब एल क्या होगा, अगर एल हुआ सीएन नेगेटिव, साइनाइड हुआ, उसको बोलते हैं हम साइनोकोबलामीन। वन सेकेंड, अगर उसकी जगह लग गया मिथाइल ग्रुप, उसको बोलते हैं मिथाइल कोबलामीन। अगर उसकी जगह लग गया एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको बोलते हैं विटामिन B12 कोएंजाइम, ठीक है। इसको स्टार लगा लो, इसको भी स्टार लगा लो, ठीक है। तो अभी हम बात करें हमारे कोबला, इसको जो विटामिन B12 है इसको हम बोलते हैं साइनोकोबलामीन। तो अभी हम बात करें हमारे विटामिन B12 के बारे में, ठीक है। इसका कलर होता है रेड, ओके। एंड वन मोर थिंग, सोचो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितनी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12 में, 5-membered रिंग कितनी बनती है और 6-membered रिंग कितनी बनती है। तो अब ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारी जो बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हमारी तीन बन रही है हमारी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तीन बन रही है हमारी 6-membered रिंग। और अब देखिए 1, 2, 3, 4 एंड ये एक और बनती है हमारी 5-membered रिंग। तो हमारी 1, 2, 3, 4, 5 बनती है हमारी 5-membered रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो तीन बनती है हमारी 6-membered रिंग और 5 बनती है हमारी 5-membered रिंग, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट थोड़े पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पर्निशियस एनीमिया भी बोलते हैं इसको, जो विटामिन B12 को, उसको दूसरा नाम है एंटी पर्निशियस एनीमिया। एंड इट इज़ ए नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं। सिमिलरली इसमें क्या होगा, हमारा मेटल क्या है, हमारे यहाँ मेटल कोबाल्ट, अगर इसके यहाँ लग गया CH3 तो अगेन कार्बन, ATP में कार्बन होता है, साइनाइड में कार्बन, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ए नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है मैंने, इट इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसा इसलिए बोला मैंने, हम अब जब हम इस कोबाल्ट प्लस थ्री को रिड्यूस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कोबाल्ट प्लस टू, एंड फर्दर रिड्यूस करके क्या बनेगा, कोबाल्ट प्लस वन। अब जो उसके प्लस टू होती है इसको हम बोलते हैं B12R, कोबाल्ट प्लस वन को बोलते हैं B12S एंड कोबाल्ट प्लस टू को बोलते हैं B12, ठीक है। इसकी होती है रिड्यूस फॉर्म एंड ये होती है इसकी सुपर रिड्यूस फॉर्म, ओके। इतना यही इसके लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विटामिन B12 कोएंजाइम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका गया, मतलब सिंपली आपको टिक करना था इसका काम क्या होता है। पहला काम क्या होता है, 1-2 रीअरेंजमेंट करवाता है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो एक्स है, यहाँ वन पोजिशन में हाइड्रोजन लगा है, सेकेंड पोजिशन में एक्स लगा है। अब यहाँ हमारे वो शिफ्ट हो गए, वन पोजीशन में एक्स लग गया एंड सेकंड पोजीशन में हाइड्रोजन लग गया, इसको बोलते हैं द एंजाइम कैटलिस्ट 1-2 रीअरेंजमेंट। तो मतलब विटामिन B12 हमारा 1-2 रीअरेंजमेंट करवाता है। सेकंड चीज क्या करवाता है, वो हमारी यहाँ एक तो मिथिलेशन करवाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करवाता है मिथिलेशन, एंड सेकंड बोलते हैं हम उसको एक और हाइड्रोक्सी मिथिलेशन भी करवाता है। आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा यहाँ आके CH3 लग गया, यहाँ आके CH2OH लग गया है। ये कहाँ से लगा, हमारे विटामिन B12 से हमारे CH3 आके यहाँ लग गया है इस पोजीशन में, एंड हमारे विटामिन B12 से CH2OH आके हमारे यहाँ लग गया है, सॉरी यहाँ आके लग गया है, ठीक है। अब एक और पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल को ये रिड्यूस करके CH2 कर देता है, मतलब इन शॉर्ट
आरएनए को ये डीएनए में भी कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया ना, तो इसलिए ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है, 1-2 रीअरेंजमेंट, मिथिलेशन, हाइड्रोक्सी मिथिलेशन एंड आरएनए टू डीएनए कन्वर्शन भी कर देता है, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट इसके लिए। ठीक है, अब हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है ना, हमारा N2 चेंज होता है NH3 में, कन्वर्जन ऑफ N2 इनटू NH3। अब इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है बायोलॉजिकल। केमिकल प्रोसेस हमें पता है हेबर प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में तीन आते हैं, एक आता है वनेडियम नाइट्रोजनेस एंजाइम, सेकेंड आता है आयरन नाइट्रोजनेस एंजाइम एंड थर्ड आता है मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस एंजाइम। ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके फर्दर दो होते हैं, एक होता है पी क्लस्टर, एक होता है एम क्लस्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक करके पी, देन हम पढ़ेंगे एम क्लस्टर। चलिए आगे चलते हैं। पी क्लस्टर को हम बोलते हैं एफई प्रोटीन भी। अब देखिए स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको लर्न करिए, सिंपली याद रखिए इसमें दो हमारे क्यूबेन होते हैं, टोटल एफई कितने हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 हो गए हमारे पास एफई। लिबाइल सल्फर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए हमारे पास लिबाइल सल्फर। ओके, अब नॉन लिबाइल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वन सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ आई एम सॉरी, यहाँ एक मैंने गलत बना दिया, यहाँ एक और नहीं आएगा क्योंकि हमने चार बॉन्ड बनाए थे 1, 2, 3 तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लगा दी, गलत बनाया मैंने। ठीक है, तो अब टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने होंगे, 6 नॉन लिबाइल, 8 लिबाइल है, नॉन लिबाइल 6 है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली, जो ये वाला एफ ई है ना, इसमें एक और हमारा अमीनो एसिड आके लगा है, वो की है सीरीन, ऑक्सीजन ऑफ सीरीन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 5। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 8 लिबाइल सल्फर हैं, तो 8 के लिए हमें कितने H प्लस डालने पड़ेंगे, 16, डबल होते हैं ना, तो हम जब इसमें 16 H प्लस डालेंगे तो यहाँ से H2S निकलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आएगा हमारा एम क्लस्टर, पी क्लस्टर पहले एम क्लस्टर। एम क्लस्टर को हम बोलते हैं MOFE प्रोटीन। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैलकुलेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए हमारे पास एफ़ई। ओके, अब देखिए 16 कैलकुलेट करते हैं नॉन लिबाइल सल्फर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन 6 है हमारे पास नॉन लिबाइल। अब एक और चीज, अब गिनेंगे हम इसमें लिबाइल सल्फर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस ये वाले में तो लिबाइल सल्फर है ना, 9, 10, 11, 12 टोटल कितने हुए, 12 लिबाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने लिबाइल सल्फर होते हैं, 12। अब 12 लिबाइल को निकालने के लिए हमें कितने H प्लस डालने पड़ेंगे, 24 H प्लस, डबल होता है ना, जब हम इसमें 24 H प्लस डालेंगे तो हमारे लिबाइल सल्फर निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कैसे होता है, Fe4S4 से इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा Fe प्रोटीन में जो हमने पीछे पढ़ा, आफ्टर दैट हमारा प्रोटीन जाएगा, हम इलेक्ट्रॉन जाएगा MOFE प्रोटीन में एंड MOFE प्रोटीन में MO से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा, नाइट्रोजन के पास। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अगर हम ले लें सिंपली NO, N2 की ले लें जब फ्री है वो, अब देखिए
अब लेक्टोन हमारा N2 में आ रहा है, जैसे हमारा लेक्टोन N2 में एंटर करेगा ना, तो वो जाएगा हमारे एंटी बॉन्डिंग में, जैसे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी। तो इसलिए अब हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी ना वो कम होगी एज कम्पेरेटिवली जब NO फ्री होता है। तो यहाँ फ्री वाले की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी जब हमारा NO बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्डेड लिख देती हूँ, ठीक है, अब समझ जाना। फ्री वाली की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बॉन्डेड, क्योंकि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उसके एंटी ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है इसके लिए, आगे चलते हैं। एक और चीज़ अब देख लीजिए, अगर वो सिंपली किसने पूछ लिया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं कन्वर्जन के लिए, तो जो टोटल ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन कितने यूज होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में N2 को कन्वर्ट करने के लिए NH3 में, तो वो होते हैं 8। बट अगर सिंपली क्वेश्चन आया कि N2 को कन्वर्ट करने के लिए NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें चाहिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन हमारे यूज होते हैं H+ को H2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज होते हैं हमारे 8, बट N2 को NH3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते 6, और H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे हमारा आता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक है, सिंपली हमें पता है। अब पहला इसका रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस वाटर गिव्स यू O2 प्लस वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर की, जिसमें हमारा वाटर चेंज हो रहा है हमारा H पॉजिटिव एंड O2 में, एंड यहाँ रिडक्शन होती है हमारी CO2 की, एंड CO2 चेंज होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लिखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब देखिए इसमें जो हमारी ना पहली बात है, फोटोसिंथेसिस में ये हमारा कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया हुआ है, सिंपली एक इंपॉर्टेंट चीज़ Mg+2 का सेंट्रल मेटल है, ठीक है। एक और चीज़, अब इसमें जो रिंग यूज होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरीन रिंग क्या होती है, जब हमारी पोरफाइड रिंग में अगर हम वन डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दें, सेम वैसी रहेगी, बस हम एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, तो अब जो रिंग बनती है उसको हम बोलते हैं क्लोरी रिंग। अगर मैं सिंपली स्टेबिलिटी की बात करूँ, कौन सी अच्छी हमारी रिंग होती, अब वही अच्छी होगी जिसमें अच्छी कॉन्जुकेशन होगी, तो पहली आती है हमारी पोरफाइड रिंग, आफ्टर दैट आती है हमारी क्लोरे रिंग, आफ्टर दैट आती है हमारी कोरे रिंग। अब हमारी पोरफाइड रिंग कहाँ यूज होती है, हीमोग्लोबिन में, क्लोरे रिंग अभी हम पढ़ रहे हैं Mg हमारा फोटोसिंथेसिस में, एंड कोरे रिंग हमारी कहाँ यूज हो रही थी, विटामिन B12 में, ठीक है। तो ये आपको स्टेबिलिटी का भी मैंने ऑर्डर बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसमें क्या है, सेम वैसे ही है कि 4 साइड ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन ऑफ द क्लोरे रिंग, एंड 1 साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, एंड 1 साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर। सिंपल इसमें ऐसे अपने पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें जो एक और चीज़ का कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें ना 3 तरह के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्लास्टोसाइनिन, एक को बोलते हैं एजुरिन, एक को बोलते हैं रिस्के प्रोटीन। अब प्लास्टोसाइनिन कहाँ मिलते हैं हमें, फाउंड इन प्लांट। अब ये एजुरिन कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। अब इनका काम क्या होता है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। अब ठीक है, मेन इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री, इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सेंट्रल एटम के हमारा Cu+2 है, यहाँ हमारे 2 नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन लगे गए हैं, यहाँ लगा हुआ सल्फर ऑफ सिस्टीन, एंड यहाँ लगा सल्फर ऑफ मिथुनिन। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये हो गया प्लास्टोसाइनिन। एजुरिन में आते हैं, इसमें सेम
कॉपर है, कॉपर प्लस टू में है, ज्योमेट्री टीबीपी होती है इसकी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर लगा हमारा ग्लाइसिन ग्रुप, नीचे लगा मिथुनिन, इस साइड में दोनों लगे हमारे राइट साइड के लगे हिस्टिडिन ग्रुप एंड यहाँ लगा सिस्टीन, ठीक है। अब यहाँ आते हैं रिस्के प्रोटीन। रिस्के प्रोटीन देखो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है किसकी तरह, जहाँ हमारा बनता है ना Fe2S2 में पढ़ाया था आपको मैंने अभी पीछे, सेम स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। बस यहाँ क्या लग गया हमारे दोनों आके, यहाँ हिस्टिडीन ग्रुप लगे और यहाँ हमारे क्या लगते थे, यहाँ के हमारे नॉन लेबल सल्फर लगते थे, ठीक है। तो ये तीन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा इंजाइम, जिंक कंटेनिंग इंजाइम, ठीक है। पहला क्या आता है ना, एक और चीज, जब हमारा मेटल प्लस इंजाइम, मेटल प्लस हमारा इंजाइम मिलके क्या बनाता है, मेटेलो इंजाइम, जिसको हम पढ़ेंगे ना, पहले हम पढ़ेंगे जिंक का। जिंक पे तीन आते हैं, पहला आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, सेकंड है कार्बोनिक हाइड्रेट्स एंड थर्ड है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में क्या होगा, हमारी हमारे यहाँ हाइड्रोलिसिस होगी पेप्टाइड बॉन्ड की, मतलब हम पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव करेगा। अब इसका मेन होता स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या होगा हमारा सेंट्रल एटम क्या आएगा, हमारा जिंक प्लस टू, इसके ऊपर लगा है वाटर, एक जिंक प्लस टू है, एक वाटर है, नीचे लगा ग्लूटामेट यूनिट, ग्लूटामेट, एंड हमारे साइड में क्या लगे हैं, दो नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन। इसका स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है। अब आगे चलते हैं कार्बोनिक हाइड्रेट, इसमें क्या होगा हमारे हाइड्रेशन ऑफ CO2, CO2 की हाइड्रेशन होगी एंड क्या बनेगा हमारा HCO3- + H+, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक जिंक लगा होता है, यहाँ ऊपर वाटर लगा होता है एंड तीन हमारे लगे होते हैं नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन ग्रुप, ओके। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड है हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसका काम क्या होगा, ये हमारे इथेनॉल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में एंड जो ये एल्डिहाइड बनता है ना, ये होता है पॉइजनस, ओके। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये हमने पढ़ लिया जिंक कंटेनिंग एंजाइम। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा सुपर ऑक्साइड डिसमिटेज, इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमारा सुपर परोक्साइड हमारा कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन परोक्साइड में और O2 में, ठीक है। अब देखिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हमारी -1, यहाँ हमारी -2, यहाँ है 0, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन एंड यहाँ से हमारा यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन, मतलब इन शॉर्ट एक टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज नोट करिए। अब देखिए इसमें दो मेटल होते हैं, एक होता है कॉपर प्लस टू में, एक है जिंक प्लस टू में, ठीक है। अब जो कॉपर प्लस टू है ना, उसको हम बोलते हैं एक टाइप से ये फंक्शनल साइट में प्रेजेंट होता है, फंक्शनल साइट। अब देखिए इसके आसपास लगे हैं तीन हिस्टिडिन इन वाटर और एक यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब ये जो जिंक प्लस टू है, ये प्रेजेंट होता है हमारा फंक्शनल साइट में, ठीक है। अब देखिए इसकी कॉन्डिशन नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, एस्पार्टिक लगा है, नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन लगा है, ग्रुप लगा है, तो इसकी ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जो कॉपर प्लस टू है ना, इसको हम किसी और मेटल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, नॉट रिप्लेस, ठीक है। बट जो जिंक है ना, जो कि हमारे फंक्शनल साइट में प्रेजेंट है, इसको हम किसी और मेटल का रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि कोबाल्ट प्लस टू एंड कैडमियम प्लस टू,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिए। हम कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट जिंक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना सफिशिएंट है। ज्योमेट्री आपको बता दी मैंने, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल एंड यहाँ टेट्राहेड्रल। आगे चलते हैं। अब देखिए, ब्लू कॉपर प्रोटीन है ना, पहले आपने जो मैंने यहाँ लिखा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, इसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगी तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, इतना लर्न करना मुश्किल हो जाता है। पर पेपर में क्या होता है, मैच द कॉलम में सिंपली पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ना कि हाँ ब्लू कॉपर प्रोटीन कौन से होते हैं हमारे, प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन होते हैं, तो आप आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, आप बस पेपर ना जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एक दिन पहले इनके नाम देख लीजिए, आपको थोड़ा सा ब्रेन में रफली आइडिया भी हो जाएगा ना, तो टिक कर लोगे आराम से। ठीक है, तो पहला ब्लू कॉपर प्रोटीन, उसमें दो आते हैं, प्लास्टोसाइनिन, एक आता है एजुरिन। अब आता है हमारा मल्टी कॉपर प्रोटीन, उसमें हमारा क्या आता है, एस्कॉर्बिट ऑक्सीडेस, लैकेस एंड सेरोप्लाज्म। सेरोप्लाज्म एक इंटेंस ब्लू प्रोटीन होता है, एंड उसकी जो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना हमें, वन सेकेंड हमें प्रॉपर लेती हूँ, डेफिशिएंसी, तो हमें क्या होता है, विल्किंसन डिसऑर्डर होता है। विल्किंसन डिसऑर्डर में क्या होता है ना, हमारी बॉडी में एक्सेस में कॉपर प्रेजेंट हो जाता है और हमारी बॉडी में जो स्टोरेज होता है कॉपर का, वो हमारा खत्म हो जाता है, इन शॉर्ट खत्म हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में एक्सेस में कॉपर प्रेजेंट हो जाता है तो हमारे हमें एक डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम विल्किंसन डिजीज़। ठीक है, ये पूछा जा, अब पूछा भी गया, पूछा आगे भी जा सकता है, तो हम नोट कर लीजिए। नॉन कॉपर प्रोटीन में दो तरह के आते हैं, एक आता है ग्लुटेस ऑक्सीडेस, एक आता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें हमारा अल्कोहल ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में, तो यहाँ हो रही ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ ओ2 चेंज होता है हमारा वाटर में, तो यहाँ होती है रिडक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जिंथाइन ऑक्सीडेस, जिंथाइन ऑक्सीडेस में क्या होता है, जिंथाइन के ऑक्सीडेशन होते हैं, चेंज होता है यूरिक एसिड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, बस यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या चेंज, क्या बनता है इसमें, यूरिक एसिड। सिंपली याद कर लीजिए स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है हमारा एमओ, एक हमारे पास दो प्रेजेंट होते हैं Fe2S2, और एक होता है हमारे पास FAD, जिसको बोलते हैं फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बस इतना रफली आइडिया ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ FE, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है हमारा, वन सेकेंड, एक होता है हमारा ट्रांसफरिन, एक होता है फेरिटिन। ट्रांसफरिन का काम होता है हमारे Fe+3 को ट्रांसफर करना फेरिटिन तक, मतलब इन शॉर्ट ये होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर की तरह एक्ट करता है, और जो फेरिटिन होता है वो हमारे Fe+3 को स्टोर करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टर, ये हो गया हमारा स्टोरेज। ठीक है, अब आगे को चलते हैं, आगे आते हैं साइड्रोपोर्स। साइड्रोपोर्स भी सेम होता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे Fe+3 को, बट इसकी जो अफिनिटी होती है Fe3 को अपनी तरफ बाइंड करके रखने की, वो सबसे ज़्यादा होती है साइड्रोपोर्स की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब Fe कंटेनिंग एंजाइम में दो आते हैं, आप इसके नाम याद कर लीजिए, एक आता है परऑक्सीडेज, एक आता है कैटलेज। ठीक है, परऑक्सीडेज में रिएक्शन आपके साथ लिखा हो मैंने, H2O2 सब्सट्रेट होता है और हमारा वाटर बनता है, और सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, H2O2 वाटर कन्वर्ट होकर वाटर एंड CO2 बनता है। रफली आइडिया लीजिए, इतना इसको मत ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा नाम देख लीजिए और इसका आप भी इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा आता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको, यहाँ एक सेकेंड, पहला हमारा ड्रग आता है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन एक एंटी कैंसरस ड्रग होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिसप्लेटिन NH3 2 Cl 2। ठीक है, अब इसका क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्लेटिनम है ना, वो हमारे ग्वानिन की सेवन पोजीशन, नाइट्रोजन सेवन्थ नाइट्रोजन होता है, उसके साथ बाइंड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो प्लेटिनम है वो ग्वानिन के जो सेवन्थ नाइट्रोजन होगा ना, उसके साथ जाके बाइंड करता है। ठीक है, आगे आता है अर्थराइटस। अर्थराइटस के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, वो होता है गोल्ड का, सॉल्ट ऑफ गोल्ड। आगे है MRI, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसके लिए जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो होते हैं गैडोलिनियम, Fe एंड मैगनीज। ठीक है, आगे आता हमारा मेंटल डिसऑर्डर, इसके लिए जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो करते हैं हम लिथियम का। आगे आता हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, इसके लिए जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो है विस्मथ का। एंड आगे आता हमारा हाइपर कैल्सिनीमा, इसके लिए जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो है गेलियम का। बस इतना रफली आइडिया रख लीजिए आप, बाकी आपको कहना होगा ना, अब देखिए ऐसे मैं करवाऊँ तो बहुत सारे हैं, तो अब इतना लर्न करना मुश्किल होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट आपको करवा दिए। अब देखिए पेपर में क्या होगा ना,
जैसे ए बी सी डी, अगर आपको सोचो ए भी पता होगा तो आपने आराम से दो ऑप्शन तो ऐसे निकाल दोगे, बचा आपके दो ऑप्शन, वहाँ से आप थोड़ा आइडिया रफली लगा ही लेंगे, हाँ ठीक है इसका नाम ऐसे मैच कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट याद करिए बस उतना सफिशिएंट है। तो ठीक है, अब यहाँ ही मेरा बाइन ऑर्गेनिक ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने जितना करवाया उतना सफिशिएंट है, आप उसी को नोट करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, तो इतना आपके लिए इनफ है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगे होंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको वहीं साथ साथ समझा भी दूंगी। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिए और इसको आप रिवाइज करके भी आइए। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, हैप्पी लर्निंग।